नमस्कार, अपन सर अपन खर में आपका स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं रूपाली। आप खबरों की ओर रुख करते हैं। मॉब लिंचिंग की घटना इस कदर बेकाबू होती जा रही है कि कहीं भी कोई इसका शिकार बन जा रहा है। समस्तीपुर में बच्चा चोर समझकर रेलवे के दो इंजीनियर को लोगों ने धुनाई कर दी। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बंगड़ा थाना क्षेत्र के मुन्नीचक सरसोना गाँव में उत्तराखंड के रहने वाले दो इंजीनियर अपनी टीम के साथ रेलवे लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण कार्य में लगे थे। इसी बीच गांव के लोगों ने इन लोगों को देखकर बच्चा चोर का अफवाह फैला दिया। फिर क्या हुआ आपको दिखाते हैं। क्या नाम है आपका? अंकित। अंकित कुमार गुप्ता। गुप्ता, क्या घटना घटी थी कल? कल वहाँ पे जैसे ही हम सर्वे वगैरह करने पहुँचे, सर्वे करने के लिए पहुँचे तो वहाँ से एकदम भीड़ आ गई। दो पांच छः जने आए, फिर भीड़ बढ़ती चली गई। हमने आईडी दिखाई तो कहने लग गए फर्जी है सब। पैन कार्ड वगैरह सब दिखाया तो कहने लग गए फर्जी है। उसके बाद उन्होंने मारपीट शुरू कर दिया। कोई हमने कहा था भाई पुलिस है, पुलिस को बुलाइए, प्रधान को बुलाइए। किसी को भी नहीं बुलाया उन्होंने। और फिर लेटर वगैरह किसे पढ़वाते? कोई पढ़ा लिखा समझदार आदमी हो, बात करे तो उसे पढ़वाते हैं। तो मारपीट शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने मेरे साथ के लेटर आईडी सब दिखाए थे। सब दिखाए। कितने आदमी थे साथ में? तीन लोग थे हम लोग, मेरे साथ के और कर्मचारी को भी मारा। एक को सिर में चोट आया, फट गया था उनका सिर, पूरा फटा हुआ है। तीनों को साथ मारपीट किया। उसके बाद बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकले हम लोग। तो आप लोग कहाँ से कहाँ सर्वे कर रहे हैं? हम लोग भगवानपुर सराय से समस्तीपुर तक का नया अलाइनमेंट है। अच्छा, उसका सर्वे कर रहे हैं रेलवे के लाइन बिछाने के लिए। उसी का जी? अच्छा, उसी में बच्चा चोर कह करके आप लोग को पिटाई किया? जी, जबरदस्ती। जबरदस्ती। हम लोग ने सब लेटर वेटर दिखाया। हाँ, लेटर देख लीजिए आप, आईडी देखिए हमारी, कोई ज़्यादा करिए। पुलिस में पुलिस को बुलाइए आप, पुलिस है तो वो सब कुछ नहीं सुना। कोई किसी ने किसी के पास। और कोई सामान वामान भी लिया? सामान मोबाइल वगैरह छीन लिया था, सब कुछ छीन लिया था। मोबाइल मशीन जो हमारी सर्विंग मशीन है डीजीपी है, वो सब कंट्रोलर वगैरह सब छीन लिया। कैश था, कैश छीन लिया। कितना कैश? कैश टोटल 8,000 रुपये उनका और मेरा मिला के। घटना की प्राथमिकी दर्ज किया थाने में? जी। और कल बंगरा थाना क्षेत्र में मुन्नी चौक हाट के पास रुड़की से एक टीम आई हुई थी रेलवे से संबंधित सर्वेक्षण करने के लिए। उसी में लोग गांव में जाके कुछ सर्वेक्षण का कार्य रेलवे लाइन के लिए कर रहे थे। उसी क्रम में किसी के द्वारा अफवाह फैला दी गई बच्चा चोर करके। उसी में भीड़ जुट गई जिसमें दो इंजीनियर्स की पिटाई हो गई। पुलिस ने तत्काल पहुंचकर लोगों को बचाया और पुलिस के द्वारा इसमें अविलंब कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। 5 लोग उसमें प्राथमिकी अभी बनाए गए हैं, 10-15 अज्ञात अभी बनाए गए हैं। गिरफ्तारी की कार्रवाई के लिए प्रयास जारी है, अभी फिलहाल है। और इस संबंध में हम लोग आपके माध्यम से चाहते हैं कि पूरे जिले राज्य में ये जागरूकता एक फैलाई जाए कि इस तरह की भी घटना में तुरंत लोग बिना जानकारी के अफवाह पर अपना प्रतिक्रिया न दें, बल्कि पहले समझें कि कौन लोग हैं, उनका उद्देश्य क्या है। उनसे बात भी किया जा सकता है, अगर कहीं संदेह हो तो उनको डिटेन करें, रोकें, उनसे पूछताछ करें, पुलिस को सूचना दें, अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं करें। हमारा ये पुलिस प्रशासन की तरफ से अपील है। यानी ये घटना स्थल सर बंगड़ा थाना क्षेत्र का था। और किनके द्वारा FIR कराया गया सर? और ये अरविंद कुमार है जो इंजीनियर है। समस्तीपुर के जिलाधिकारी ने आज अपने चैम्बर में पीसी कर लोगों को जागरूक किया है। अगर किसी वोटर का नाम पता गलत है तो कैसे सही कर सकते हैं?
प्रक्रिया को करने के लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन प्रोग्राम चालू किया है, पूरे कंट्री में शुरू हुआ है निर्वाचन आयोग के निर्देश। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कैसे कैसे ये लोग अपना नाम चेंज करा सकते हैं, क्या क्या मीडियम उनके पास अवेलेबल है जिनके माध्यम से वो लोग ये सब चीज़ें करा सकते हैं। तो पहला और जो सबसे यूज़र फ्रेंडली है वो है कि हमारा वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप, ये नया ऐप लॉन्च हुआ है वोटर हेल्पलाइन। इसमें आप मान लीजिए आपको नाम चेंज कराना है या नाम कहीं से डिलीट कराना है, जैसे ही डालेंगे आपको कॉल करके वेरीफाई भी करता है कि आप सही नाम डिलीट कराना चाहते हैं, और उसके बाद उस पर इम्प्लीमेंटेशन होता है, जो प्रक्रिया होती है फॉर्म भरवा के आपसे करवाई जाए। एक तो हो गया कि आप जो भी वोटर है वो अपने मोबाइल में वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी मदद से करा सकते हैं। दूसरा है कि हमारे जो ERO हैं, 10 हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी है विधानसभा, 10 ERO हैं, उनके लेवल पे भी हम लोग फैसिलिटेशन सेंटर खोल रहे हैं। आज ही बैठक की गई है, उसमें सभी को निर्देश दिया गया कि 2 दिनों के अंदर यानी कि 5 तारीख तक हर ERO लेवल पर एक फैसिलिटेशन सेंटर होगा, जहाँ पर एक ऑपरेटर बैठेगा। जिस भी वोटर को कोई नाम चेंज कराना है, नोट नाम जुड़वाना है, जो अलग अलग प्रक्रियाएँ होती है फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8, फॉर्म 3A, जिससे संबंधित कुछ भी कराना है तो उस फैसिलिटेशन सेंटर पर जाकर के करा सकता है। यह फैसिलिटेशन सेंटर अगले 2 दिनों में हम लोग सभी विधानसभा क्षेत्र में चालू कर देंगे। इसके अलावा हमारे पास BLO नेट का भी एक प्रोविजन आया है, अभी चालू होने वाला है, अभी शुरू नहीं हो पाया है, अभी हम उम्मीद करते हैं कि 1 से 2 दिनों में चालू हो जाएगा। BLO अपने ऑनलाइन मोबाइल ऐप होता है, ऐप से जाकर के घर घर जाकर के वेरीफाई में वो जैसे ही आ जाता है चालू हो जाते हैं, तो हम लोग उसको भी खड़े स्तर से शुरू करेंगे। उसके अलावा NVSP पोर्टल होता है, जो ऑनलाइन लोग अपना फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 और फॉर्म 8A उससे संबंधित भर के डाल सकते हैं, और अभी भी वो भरा जा रहा है। आज भी मैंने रिव्यू किया, बड़ी संख्या में एप्लीकेशन आए हुए हैं NVSP पोर्टल पर, तो हम लोगों ने निर्देश दिया है सभी ERO को NVSP पोर्टल पर जितने भी आवेदन पेंडिंग है उसका तुरंत डिस्पोजल करेंगे, और उसके लिए भी युद्ध स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। तो NVSP पोर्टल पर या तो घर बैठे बैठे अगर आपके पास नेट की फैसिलिटी है, या तो कॉमन सर्विस पॉइंट होता है वहाँ पर जाकर, या कहीं से भी जहाँ नेट की फैसिलिटी है NVSP पोर्टल पर भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। समस्तीपुर जिले कल्याणपुर थाना क्षेत्र के मुक्तापुर गांव में पानी भरे गड्ढे में आज 2 छात्रों की डूबकर हुई मौत, दोनों छात्र गड्ढे में नहा रहा था। आज लगभग 11-12 के बीच मुक्तापुर धोबी घाट से नहाने क्रम में 2 बच्चे डूबने से मृत्यु। बच्चे कहाँ के थे? बच्चा प्रतापपुर के हैं, 7 नंबर वार्ड से। क्या नाम है? हाँ जी, सूचना मिली थी मुक्तापुर मोइन में 2 बच्चे के डूबने की, उसी से हम लोग सत्यापन में आए थे। 2 बच्चे की मृत्यु हो गई है डूबने के कारण, एक है मोहम्मद गुलाम, उम्र है लगभग 17 वर्ष, और दूसरे हैं नबी, उम्र है लगभग 12 वर्ष, उनकी मृत्यु हो गई है। जो डिग्री कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। अपोलो डेंटल के संचालक ने चीनी मिल कैंपस में धूमधाम के साथ गणेश पूजा किया। ओम चंदनम कालिका देवी नमः ओम चंदनम श्री देवी नमः ओम चंदनम ग्राम देवता नमः अच्छत्र पुत्र हाजो ओम चंदनम।